हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरविंद कुमार एंड वेलकम टू द अरविंद कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस, और साइंस में हम पढ़ेंगे आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चैप्टर 11 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे आज क्या फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो उनको समझते हैं हम। सबसे पहला फैक्टर है टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे मतलब द स्टोमेटा इन लीव्स आर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट द नाइट। जो स्टोमेटा होते हैं, जो प्लांट्स में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, वो क्या होते हैं, दिन में खुले होते हैं और रात में बंद होते हैं। जब क्या होता है कि ज्यादा बड़ा दिन निकलता है ना, ऐसे गर्मियों को जो टाइम में है उसमें क्या है कि दिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, रातें छोटी हो जाएंगी। तो जब ज्यादा दिन बड़ा होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि स्टोमेटा है वो ज्यादा देर तक खुले रहेंगे। जब ज्यादा देर खुले रहेंगे तो उसमें ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा देर तक होगा। टेम्परेचर, द रेट ऑफ टेम्परेचर इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर, सो ट्रांसपिरेशन ऑन अ हॉट डे इज मोर देन दैट ऑन अ कोल्ड डे। मतलब जब गर्मी होती है, जो टेम्परेचर वो हाई होता है, तो उस समय क्या होता है ट्रांसपिरेशन ज्यादा तेजी से होता है, और जब ठंडी होती है उस टाइम में टेम्परेचर कम होता है, तो उस समय ट्रांसपिरेशन जो है वो लो होता है, कम होता है, रेट है जो उसकी वो कम होती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है मतलब नमी। ऑन अ ह्यूमिड ह्यूमिड डे मतलब जो नमी वाला दिन होता है, जो शुष्क दिन होता है जिसमें हवाओं में नमी रहती है, द ट्रांसपोर्टेशन इज लोअर बिकॉज द एयर ऑलरेडी कंटेंट्स ऑफ लॉट ऑफ वाटर। उस टाइम में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन कम होता है क्योंकि हवा में ऑलरेडी नमी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। विंड, विंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट इज द बिकॉज द विंड टेक्स अवे वाटर वेपोरेट फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ लीव्स। जब हवाएं तेज होती हैं उस समय क्या होता है जो ट्रांसपिरेशन है वो भी तेज होता है। क्यों? क्योंकि जो अब जो पत्ती के जो आसपास का जो नमी है वो हवा के साथ में बह जाती है, ठीक है। सनलाइट जब इंक्रीज होती है तो उस टाइम में क्या होता है ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा स्टोमेटा इंक्रीज होते हैं, ओपन होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्या क्या इंपोर्टेंस है ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द स्ट्रीट प्लांट्स इन द फॉलोइंग मैनर, द प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, जो कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा कि जब हम पेड़ के पास निकलते हैं तो हमको ठंडी हवा मिलती है, गर्मी कम लगती है, पेड़ से जो हवा गुजरती है वो भी ठंडी हो जाती है। वो क्यों जाती है, क्योंकि जो स्टोमेटा है वहाँ से पानी जो है वो वाटर है वो रिलीज होता है, और वो पानी उसमें मिलकर हवा को ठंडा कर देता है, ठीक है। देयर बाय सेविंग द डेलिकेट सेल्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सनलाइट, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स अपवर्ड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, अब मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स नीडेड बाय प्लांट्स आर डिसॉल्व इन वाटर इन द सोइल। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स नीडेड बाय प्लांट्स, तो जो बहुत सारे जो प्लांट मिनरल्स है वो प्लांट को चाहिए होते हैं डिसॉल्व इन वाटर इन द सोइल, जो पानी में और मिट्टी में डिसॉल्व होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मिनरल्स आर ऑफन मोर क्राउंड इनसाइड द रूट्स, देयर हैंड दे आर इन द सोल। रूट्स हियर कैन स्टिल अब्सॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सोल, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन एरिया देयर वेयर दे आर लेस कवर्ड टू एन एरिया वेयर दे आर मोर कवर्ड। मतलब रूट की जो हेयर कैन स्टिल अब्सॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सोल, मतलब जो वो सोल से भी ऑब्जर्व करती हैं, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरियाज वेयर द लेस क्राउडेड टू द एरिया वेयर द मोर क्राउडेड।
मिनरल्स आर देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम, ये याद रखिएगा। इस जाइलम है वो किसलिए काम आती है, एक्स वाई एल ई एम, जाइलम। जाइलम एक छोटी छोटी नसें होती हैं, एक तरह से उनको बोलिए, है ना, तो वो पेड़ के अंदर होती हैं और वो किस लिए काम आती हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो जड़ें होती हैं उसकी, जो मिनरल्स जो जड़ें ऑब्जर्व करती हैं उनको ऊपर पूरे जो तना है, पत्तियां हैं, पूरे जो ऑल्ट्री है उसमें पहुंचाने में जो काम रहता है वो जाइलम का रहता है। एक चीज़ और मिलेगी आपको, फ्लोएम, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। The water and the minerals absorbed by roots and connect towards the leaves, flowers and the part of the plants. The upward movements of shape, the content water with the minerals is called the ascent of shape. Transportation of food क्या है? Sugar molecules formed in the leaves during photosynthesis are transported throughout the plants by phloem. Phloem has called sieve tubes. Phloem, जिसको हम क्या बोलते हैं, sieve tubes भी बोलते हैं, which are placed on above the other two from long tubes through which food is transported. वो किसकी काम आती है? Food transport करने की काम आती है, मतलब जो पत्तियां जो food बनाती हैं, तरह food जो बनाता है वो पूरे जड़ों में वो सभी चीजों में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। द कंटेंट ऑफ द फ्लोएम कैन मूव इन टूवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड्स डायरेक्शन वेयर एज वाटर इन जाइलम मूव्स ओनली इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है। तो जो क्या है, डाउनवर्ड्स के लिए कौन काम आता है? फ्लोएम, और अपवर्ड्स के लिए कौन काम आता है? जाइलम। मतलब नीचे से कोई चीज ऊपर पहुंचानी है तो कौन काम करेगा? वो जाइलम काम करेगा, और ऊपर से कोई चीज नीचे पहुंचानी है तो वो फ्लोएम काम करेगी, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स है, इसके लिए एक्टिविटी दी है आपको, वो रीड करना है आपको और उसको करके भी देखना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स एनिमल्स, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स, अभी आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, जायम और फ्लोएम, ठीक है, और दोनों के काम पड़े, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये आपको आगे भी काम आने वाली है, ठीक है। आज की इतना काफी है, थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो, स्टे सेफ।